भिंड में 26 जनवरी के अवसर पर पहली बार विधायक के प्रयासों से शहर हुआ एलईडी लाइट से तिरंगामय। 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर भिंड विधायक संजीव सिंह संजू ने शहर को राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी के अवसर पर शहर का रिपीट 26 जनवरी को लेकर भिंड विधायक संजीव सिंह संजू ने शहर को राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी के अवसर पर शहर का सौंदर्यकरण और लाइटों से तिरंगामय करने के लिए महीनों पहले तैयारियां शुरू कर दी थी, जिसको लेकर विधायक संजीव सिंह ने लाखों रुपए की योजनाओं से भिंड के चारों तरफ डिवाइडरों पर लाइट लगाने का काम शुरू किया। तो वहीं सुभाष चंद्र चौराहे से इंदिरा गांधी चौराहे तक खम्भों पर एलईडी लाइट लगाकर गणतंत्र दिवस के पहले भिंड को तिरंगामय बना दिया गया। रात के समय ये नजारा देखने पर बहुत खूबसूरत लग रहा है, जिसकी शहरवासी तारीफ करते हुए दिख रहे हैं कि भिंड के इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रीय पर्व से पहले ऐसी सजावट करवाई गई है। विधायक संजीव सिंह संजू का कहना है कि लगातार भिंड के विकास कार्य और सौंदर्यकरण को लेकर वो प्रयासरत रहते हैं। इसी क्रम में भिंड वासियों के लिए 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व से पहले एलईडी लाइटों से तिरंगामय होकर चहकता और महकता हुआ दिखाई देगा। देखिए, शहर के सौंदर्यीकरण का कार्य चारों दिशाओं में चल रहा है, सिर्फ एक ही दिशा में नहीं। रोडों का भी निर्माण चल रहा है, जहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं थी वहाँ लाइटों की व्यवस्था की जा रही है, और जहाँ हमारे जो एंट्री पॉइंट थे, जो एक चाहे इटावा रोड हो, चाहे लाहौर रोड हो, चाहे ग्वालियर रोड हो, चाहे अटेर रोड हो, उन चारों रोडों पर लाइट की व्यवस्था की जा रही है। और जो शहर में जो लाइट के पोल लगे हुए हैं, उन लाइटों पर तिरंगा की एलईडी लाइट से उनको सजाया जा रहा है, जिससे शहर सुंदर लगे, अच्छा लगे, रंगमय हो चुका है। 26 जनवरी आई तब तक बिल्कुल आपको शहर चारों तरफ चहकता हुआ, महकता हुआ और अच्छा दिखाई देगा।